हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द केस ऑफ इतवांग होमिसाइड, ये 2009 की मिस्ट्री क्राइम मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो मूवी है ये एक ट्रू स्टोरी है। हमारी मूवी इतवांग में 1997 में स्टार्ट होती है। मूवी स्टार्ट होती है और हम देख सकते हैं कि एक लड़के का टॉयलेट में मर्डर हो जाता है। रात में फिर पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। इस क्राइम के कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर जिनका नाम है प्रोसिक्यूटर पार्क, ये सुबह पर उस क्राइम सीन पर आते हैं। पाक पूछते हैं कि विक्टिम कौन था। उन्हें बताया जाता है कि एक कॉलेज का सीनियर था जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया हुआ था। रात 10:30 बजे उसका यह मर्डर हुआ है। टॉयलेट में मर्डर हुआ है तो पाक वहाँ जाकर देखते हैं, पर वहाँ सब कुछ साफ हो चुका है। पुलिस वहाँ रात में ही पहुंचे थे। इस होटल के ओनर ने उन्हें कहा था कि सुबह उन्हें फिर से होटल ओपन करना है। इसी वजह से जल्द उनने सब फोटोज वगैरह क्राइम सीन की ले ली और सब चीजें साफ कर ली। टॉयलेट यानी मर्डर का क्राइम सीन ये पूरी तरह से साफ हो चुका है, यानी कि इसे और एनालाइज भी नहीं कर सकते। पाक फिर भी इस पूरी जगह को एनालाइज करते हैं। सिंक के नीचे उन्हें ब्लड पड़ा हुआ दिखता है। वो वंडर करते हैं कि टॉयलेट और सिंक इन दोनों में डिस्टेंस है तो इतनी दूर तक ब्लड आया कैसे। जब डिस्कशन होती है तब हमें हमारे विक्टिम के बारे में पता चलता है। विक्टिम का नाम जो जंग फिल था। उसकी फैमिली में वो अकेला ही लड़का था। उसके फादर ड्राइवर थे। वो कॉलेज में था तो मेहनत कर कर पैसे कमा कर फीस देता था। जिस रात उसका मर्डर हुआ तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस होटल में वो आया हुआ था। हमें उस रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जोंगफिल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहा था। गर्लफ्रेंड घर जा रही थी। जोंगफिल को गर्लफ्रेंड के साथ और भी टाइम स्पेंड करना था तो वो भी उसके साथ गाड़ी में चढ़ गया। ये दोनों फिर होटल में आए, कुछ ड्रिंक्स इन्होंने लिए। होटल में ही जोंगफिल जब टॉयलेट गया तभी उसका मर्डर हो गया। बहुत टाइम हो गया पर फिर भी जोंगफिल बाहर ही नहीं आया। उसकी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही थी तो देखने के लिए गई और उसे डायरेक्टली जोंगफिल की बॉडी ही मिली। हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। जोंगफिल की गर्लफ्रेंड सदमे में है। गर्लफ्रेंड से जरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसे पूछा जाता है कि क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था, क्या किसी से तुम्हारी दुश्मनी थी। गर्लफ्रेंड के पास इन सब क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है। इसके बाद मिलिट्री में एक सस्पेक्ट पकड़ा गया था जिसका नाम था पियर्सन। CBI की इन्वेस्टिगेशन में पियर्सन ने अपनी टेस्टिमनी दी कि उसने ही जोंगफिल को मारा है। अब पियर्सन को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। डायरेक्टली CBI ने जो टेस्टिमनी ली है उसी वजह से पियर्सन को पनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस केस की मेन इंक्वायरी कोरियन पुलिस ही करेगी। ये जो पियर्सन है इसकी मदर कोरियन थी और फादर अमेरिकन। US आर्मी को लगा कि पियर्सन एक सस्पेक्ट है, इसी वजह से उस पर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की थी। पियर्सन के पास अब पार्क आते हैं। पार्क को बताया जाता है कि पियर्सन हमेशा से अमेरिका में ही रहा है तो उसे कोरियन थोड़ी भी नहीं आती। जब वो उसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि पियर्सन झूठ बोल रहा है क्योंकि उसकी मदर कोरियन थी। थोड़ी देर में आर्मी से अपॉइंटेड एक लेडी आती है। वो सब पुलिस से कहती है कि पियर्सन एक अमेरिकन सिटीजन है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोई भी इसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसे आप हैंडकफ्स में भी नहीं रख सकते। अगर पियर्सन चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन जब चल रही है तो उसकी फैमिली भी यहाँ हो तो ये भी होना चाहिए। इन सब रूल्स को पुलिस को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद एक ट्रांसलेटर बुलाया जाता है। सब क्वेश्चन आंसर चलते हैं। पाक पूछते हैं कि तुम उस रात उस होटल में थे, तुमने जोंगफिल को क्यों मारा, क्या तुम उसे जानते थे। पियर्सन कहता है कि मैं उसे नहीं जानता था। पाक पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई फाइट हुई थी। कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ टॉयलेट गया और वहां पर उसका मर्डर होते हुए मैंने देखा। पियर्सन कहता है कि जोंगफिल का मर्डर उसके फ्रेंड एलेक्स ने किया था। एलेक्स का पता भी पुलिस लगा रहे हैं पर 2-3 दिनों से एलेक्स उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा। पियर्सन के कपड़ों में ब्लड था जो उसने गटर में फेंक दिए थे। ये कपड़े पुलिस के पास है। ये वो पियर्सन को फिर से दिखाते हैं। वो कहते हैं कुछ भी सच होगा वो हम पता कर ही लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स और उसके फादर ये दोनों पार्क के पास आते हैं। एलेक्स पहले गायब था और ये खुद पार्क के पास आ चुका है। एलेक्स के फादर कहते हैं कि एलेक्स डर गया था। वो सिर्फ देखने में बड़ा दिखता है पर फिर भी वो छोटा ही है। फादर को लगता है कि एलेक्स एक मासूम बच्चे की तरह है। पाक फिर एलेक्स से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। पाक एलेक्स से पूछते हैं कि उसकी एज क्या है, वो कहाँ रहता था, तो सब क्वेश्चन एलेक्स के फादर ही देते हैं। पाक कहते हैं कि एलेक्स को आंसर देने चाहिए। यहाँ वहाँ के क्वेश्चन चल रहे हैं तो एलेक्स कहता है कि जो एक्चुअल में हुआ था, जो मेन क्वेश्चन है, ये आंसर करने के लिए मैं रेडी हूँ। एलेक्स फिर बताता है कि उस रात हुआ क्या था। हमें उस रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एलेक्स, पियर्सन और उसके कुछ फ्रेंड्स हैंग आउट कर रहे थे। उन्होंने कुछ बर्गर्स वगैरह मंगवाए। इन्हें कट करने के लिए कुछ भी नहीं था तो पियर्सन ने अपने पॉकेट में से एक नाइफ निकाली। यही नाइफ है जिससे जोंग का मर्डर हुआ था। ये नाइफ देखकर सब फ्रेंड सरप्राइज्ड होते हैं। एक फ्रेंड इस नाइफ को देखता है तो उसका फिंगर कट होता है। पियर्सन यहाँ कहता है कि इस नाइफ से मैंने किसी को स्टैब किया है। एलेक्स पूछता है तो क्या वो मरा था, तो पियर्सन कहता है कि मैंने देखा नहीं। बाकी फ्रेंड्स को स्मोक करना था तो यहाँ से वो चले जाते हैं।
इसके बाद जॉन्ग फेल टॉयलेट में गया और पियर्सन बोला, तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखकर तुम्हें मजा आएगा। पियर्सन टॉयलेट में गया, एलिस के हाथ जरा खराब हो गए थे तो वो भी हाथ धोने के लिए अंदर गया। वहां पर पियर्सन ने जॉन्ग फेल पर वार कर उसे मार डाला। थोड़ा सा ब्लड एलेक्स पर भी गिर गया। अब ये जो सब कह रहा था ये एलेक्स कह रहा था, ये सच है या गलत ये कोई भी बता नहीं सकता। एलेक्स और पियर्सन को एक साथ बिठाया जाता है। इनसे पूछा जाता है कि मर्डर तुम दोनों में से किसने किया है। ये दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाक अपने कलिक के साथ होते हैं। कलिक उनसे कहते हैं कि CID की इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उस इन्वेस्टिगेशन में पियर्सन ने बता दिया था कि उसने ही जॉन्ग फिल का मर्डर किया है। अब उन्हें और इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, ये वो पाक को कहते हैं। पाक कहता है कि केस CID के पास नहीं है, हम ही हैं जो इस केस की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पियर्सन ने क्यों कहा था कि उसने जॉन्ग फिल को मार डाला है, तो ये पूछने के लिए पाक उसके पास जाते हैं। पियर्सन कहता है कि मुझे कोरियन नहीं आती, उस टेस्टिमोनी में क्या लिखा था ये मैं पढ़ नहीं पाया और मैंने साइन कर दी। CID के लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे थे। अब उस रात की स्टोरी पियर्सन सुनाता है। जो सब एलेक्स ने कहा था उसका सब ऑपोजिट यहाँ हुआ है। इस केस में पियर्सन के कपड़ों में सबसे ज्यादा खून था। इसे एक्सप्लेन करने के लिए पियर्सन कहता है कि एलेक्स ने जॉन्ग फिल को जब मारा तो वो मुझ पर गिर गया था, उसका बहुत सारा खून बह रहा था तो सब कुछ मेरे शर्ट पर आ गया, मैंने फिर उसे पुश कर दिया। एलेक्स ने पीछे से वार किया था इसी वजह से उसके कपड़े पर ज्यादा ब्लड नहीं आया। ये सब पाक को समझाता है। अब पाक भी इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज है। फॉरेंसिक वालों के पास हो जाता है। पियर्सन ने जो कहा है क्या वो सच हो सकता है, वो फॉरेंसिक वालों को पूछता है। फॉरेंसिक वाले कहते हैं कि नेक पर हमला हुआ था, नेक पर हमला होने से ब्लड एक ही डायरेक्शन में स्प्रे होता है। अगर एलेक्स ने मर्डर किया है तो उसके कपड़ों पर कम ब्लड है। अगर ब्लड एक ही डायरेक्शन में स्प्रे हो रहा है और एलेक्स का एंगर अलग है तो एलेक्स के कपड़ों पर ज्यादा ब्लड नहीं आएगा। ये चीज यहाँ एक्सप्लेन हो सकती है, यानी कि पियर्सन ने जो कहा है ये सच हो सकता है। पाक और भी इन्वेस्टिगेशन कर एलेक्स को मर्डर के लिए चार्ज करते हैं। एलेक्स के फादर एक रिच आदमी है, ये बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। एक बड़ा सा लॉयर वो एलेक्स के लिए हायर करते हैं। ये लॉयर पाक से बात करता है कि एलेक्स ने मर्डर नहीं किया है, वो खुद चलकर सामने आया था। पाक उसकी कुछ भी बात मानने के लिए रेडी नहीं है। जब एलेक्स और पियर्सन दोनों से फिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पियर्सन के पास सब क्वेश्चन के सही से आंसर्स है। एलेक्स ने जो स्टोरी कही है इसको भी वो सही से डिटेल में नहीं बता सकता। एलेक्स को ज्यादा कुछ याद नहीं है। एलेक्स को क्यों ज्यादा कुछ याद नहीं है ये सब वंडर करते हैं। पाक का एक कलीग कहता है कि अगर उन दोनों ने ड्रग्स किए होंगे तो भूल सकते हैं कि उन्होंने मर्डर किया था। दोनों की इंटॉक्सिकेशन रिपोर्ट मंगवाई जाती है और उसमें नल आता है, यानी कि इन दोनों ने कोई भी ड्रग्स नहीं किए थे। तो एलेक्स को ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है तो ये बहुत ही सस्पिशियस है। पाक और भी श्योर हो जाते हैं कि एलेक्स ने ही मर्डर किया है। एलेक्स के फादर परेशान होते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो उन्हें करना चाहिए। ये लॉयर से कहते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, पर लॉयर कहते हैं कि अब हम वेट ही करना पड़ेगा, जब कोर्ट आएगा तब हम सब देख लेंगे। फादर मानने नहीं वाले तो उन्हें आइडिया आता है कि हम एक लाई डिटेक्टर टेस्ट ले सकते हैं। ये टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा पर फिर भी इन्हें तो पता चल जाएगा किसने ये मर्डर किया था। जब ये टेस्ट किया जाता है तो पियर्सन इसमें पास होता है और एलेक्स ने ही मर्डर किया है ये इसमें प्रूव होता है। एलेक्स के फादर पाक से मिलते हैं, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करते हैं पर पाक मानने नहीं वाले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पियर्सन के एक फ्रेंड को पाक बुलाते हैं। इस फ्रेंड ने अपनी टेस्टिमोनी में कहा था कि पियर्सन ने एडमिट किया कि उसने ही मर्डर किया है। अब पियर्सन के फ्रेंड से फिर से पाक क्वेश्चन पूछते हैं। फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या पियर्सन ने एडमिट किया था कि उसने मर्डर किया है। फ्रेंड कहता है कि नहीं, उसने कहा था कि जॉन्ग फिल का मर्डर हुए उसने देखा था और उसकी बॉडी को उसने पुश किया। पाक पूछते हैं कि अपने टेस्टिमोनी में तुमने ऐसा क्यों कहा। फ्रेंड कहता है कि मैं बहुत ही कंफ्यूज था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए। उस रात सब फ्रेंड्स जब टेबल पर थे तब एलेक्स और पियर्सन इन दोनों में से किसी ने कहा था कि चलो तुम्हें कुछ फन दिखाता हो, यानी कि मर्डर करने वाले थे। तो ये बात किसने कही थी, ये पाक पियर्सन के फ्रेंड से पूछते हैं। फ्रेंड कन्फ्यूज हो जाता है और कुछ भी आंसर नहीं करता। पाक को उसके सुपीरियर ऑफिस में बुलाते हैं, कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि एलेक्स ने ही मर्डर किया है। पाक कहता है कि हाँ मुझे पता है कि एलेक्स ही मर्डरर है। उसके सुपीरियर उसे वार्निंग देते हैं, वो कहते हैं कि एलेक्स के फादर की पहुंच बहुत ही आगे तक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट स्टार्ट होता है। इस कोर्ट में लॉयर एलेक्स से पूछते हैं कि मर्डर किसने किया था। वो कहता है कि ये पियर्सन ने किया है। पियर्सन के बारे में कहता है कि वो एक जानवर की तरह है, उसे रैंडम वायलेंस करना अच्छा लगता है। इस कोर्ट में जॉन्ग फिल की मदर भी है, ये बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और एलेक्स को गालियां देने लगती है। जज फिर इस हियरिंग को यही खत्म करवा देता है। नेक्स्ट हियरिंग जब चलती है तो पियर्सन और एलेक्स के फ्रेंड को फिर से बुलवाया जाता है।
इसे पूछा जाता है कि जब पियर्स ने नाइफ निकाली थी तो नाइफ किसके पॉकेट में लास्ट थी। ये यहाँ आंसर करता है कि एलेक्स था जिसके पॉकेट में नाइफ थी, पर फिर कन्फ्यूज होकर कुछ भी नहीं पता था। इनका और एक फ्रेंड है जो स्मोकिंग करने के लिए स्टेयर से ऊपर गया था। जब मर्डर हुआ तो एलेक्स और पियर्सन दोनों डोर से स्टेयर्स तक आए थे, तो पहले कौन आया था इसकी आर्गुमेंट होती है। ये फ्रेंड कहता है कि पहले एलेक्स आया था। एलेक्स का लॉयर कहता है कि मर्डर करने के बाद कौन पहले आया था और कौन बाद में, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर पार्क इस पर जोर देता है, कहता है कि मर्डर करने के बाद आदमी भागने की कोशिश करेगा, तो जिसने मर्डर किया है वही पहले जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स जेल में है, उसके फादर उससे मिलने के लिए आए हैं। एलेक्स को फास्ट फूड पसंद है तो बहुत सारा लेकर आए हैं। फादर को बुरा लग रहा है, उन्हें लगता है कि एलेक्स को उन्हें यूनाइटेड स्टेट में ही रखना चाहिए था, कोरिया में कभी भी लाना नहीं चाहिए था। वो कहते हैं कि सब एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारे फ्रेंड भी तुम्हें ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे। एलेक्स कहता है कि मुझे उन्हें दिखाना चाहिए था। फादर सरप्राइज्ड हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये कह क्या रहा है। फादर को भी डाउट जाता है कि एलेक्स ने शायद ये मर्डर किया हो सकता है, पर वो फादर है तो इसे इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट जब कोर्ट चलता है तो फॉरेंसिक ऑफिसर को बुलाया जाता है, ये सब फैक्ट्स कोर्ट को बताते हैं और लास्ट में पार्क उनसे पूछता है कि अगर आपको गेस करना हो कि रियल मर्डरर कौन है तो कौन हो सकता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं कि जिसने भी मर्डर किया था वो बहुत ही स्ट्रांग था, जोंगफिल से उसकी हाइट ज्यादा थी और ये सब चीजें एलेक्स में है। एलेक्स जोंगफिल से ऊंचा है और उसमें ताकत भी ज्यादा है। पार्क के ऊपर इस केस को लेकर और भी प्रेशर बढ़ने लग जाता है। जो भी सिचुएशन है इससे क्लियरली पता नहीं चल रहा कि पियर्सन ने मर्डर किया था क्या एलेक्स ने। पार्क अपने बच्चों के साथ वाटर गन से खेलकर क्राइम सीन फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, पर फिर भी इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और एक हियरिंग स्टार्ट होती है, इसमें एलेक्स के लॉयर कहते हैं कि आपने कहा था कि एलेक्स की हाइट ज्यादा है इसीलिए एलेक्स ने मर्डर किया हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। जब आदमी टॉयलेट करता है तो थोड़ा सा वो झुकता है। इसी सिली आर्गुमेंट पर पार्क और एलेक्स के लॉयर ये दोनों झगड़ते हैं। जज इन दोनों को चेंबर्स में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि वैसे ये सब नहीं होना चाहिए। ये केस बड़ा हो चुका है और इसे मीडिया कवरेज वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तो जज पर भी अब प्रेशर बढ़ रहा है। ये एक्चुअल में मर्डर हुआ कैसे था ये जज को फिर से देखना है। सब अरेंज किया जाता है जिसमें पियर्सन, एलेक्स, उसके लॉयर्स और जज ये सब लोग टॉयलेट में आते हैं। इस क्राइम सीन पर हुआ क्या था ये एलेक्स और पियर्सन दोनों को बताने के लिए कहते हैं। एलेक्स ने कहा था कि वो टॉयलेट में हाथ धो रहा था, पर ये टॉयलेट बहुत ही छोटा है। अगर एलेक्स हाथ धो रहा था तो टॉयलेट में कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। मर्डर किस तरह से हुआ था इसके बारे में भी एलेक्स ज्यादा बता नहीं पाता। जब पियर्सन से पूछा जाता है तो पूरे डिटेल्स में वो सब कुछ बताता है। ये क्राइम सीन से एग्जैक्टली मैच भी करता है। पार्क इस केस को लेकर डिस्टर्ब हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या चाहिए। वो पियर्सन और एलेक्स इन दोनों को लेकर अनश्योर है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग आती है। इस हियरिंग में सीआईडी के ऑफिसर अपनी गवाही देते हैं। सीआईडी के ऑफिसर कहते हैं कि हमने पियर्सन को चार्ज किया था, इसके पीछे एक रीजन था। पियर्सन अमेरिका में एक गैंग का मेंबर है। एलेक्स के अटर्नी कोर्ट को बताते हैं ये जो सीआईडी ऑफिसर है एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, कोर्ट को इनकी बात माननी चाहिए। इसी हियरिंग में पियर्सन और एलेक्स का और एक फ्रेंड आगे आता है। ये अपनी टेस्टिमोनी अब साफ साफ देता है। वो कहता है कि जिस रात मर्डर हुआ था तब एलेक्स के शर्ट पर बहुत ही खून था और वो मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या है, तो एलेक्स ने कहा कि मैंने एक आदमी का मर्डर कर दिया है, उसे कर कर बहुत मजा आया। अब इससे साफ साफ पता चल जाता है कि एलेक्स ही मर्डरर है। पार्क जज से कहते हैं कि एलेक्स 18 ईयर्स का है पर फिर भी एक हैवान है, उसने सिर्फ मजे के लिए जोंगफिल को मार डाला, उसे मैक्सिमम पेनल्टी यानी कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। जज एलेक्स को उम्र कह देते हैं और पियर्सन ने थोड़े दिनों के लिए एलेक्स को कवर किया था, इसी वजह से 1.5 साल की उसे सजा सुनाते हैं। एलेक्स अभी भी मानता नहीं, वो कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया है। एलेक्स के फादर हार नहीं मानते, कहते हैं कि मैं और कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। वो फिर से हाई कोर्ट में जाकर इस केस को रीओपन करते हैं, पर पहली बार जो हुआ था यानी कि मर्डर किसने किया है, पियर्सन ने या एलेक्स ने, इस तरह से वो नहीं लड़ते। इस बार वो एक चीज को लेकर लड़ते हैं। वो कहते हैं कि एलेक्स ने मर्डर किया है, इसके पूरे एविडेंस नहीं है, एलेक्स ने मर्डर शायद नहीं भी किया है। इस कोर्ट की हियरिंग होती है और एलेक्स इनोसेंट है ये प्रूव कर दिया जाता है। जोंगफिल की मदर भी इस हियरिंग में थी, उसके बेटे के किलर को छोड़ दिया है ये देखकर वो बहुत रोती है। वो फिर पार्क के पास आती है, पार्क को पूछती है कि हुआ क्या, अगर एलेक्स ने मर्डर नहीं किया है तो पियर्सन ने किया है, ये तो प्रूव होना चाहिए था। पियर्सन को भी सिर्फ 1 ही साल तक सजा हुई है, ये सब गलत है। पार्क इस पर कुछ भी आंसर नहीं कर पाते।
पाक अपने सुपीरियर के पास जाते हैं, कहते हैं कि इस केस को फिर से रीओपन करना चाहिए। वो और भी कुछ सबूत ला सकते हैं कि एलेक्स ने मर्डर किया है, पर उसके सुपीरियर अब इसे मानने के लिए रेडी नहीं है। उसके सुपीरियर कहते हैं अगर हमने फिर से इसे रीओपन किया तो फिर से बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पाक इस चीज को जाने दे कि उसके सुपीरियर उसे एडवाइस करते हैं। पाक को अच्छा नहीं लगता पर उन्हें मानना पड़ता है। अब हम देखते हैं कुछ टाइम गुजर चुका है, एलेक्स फ्री है और अमेरिका जाकर वहाँ वो पढ़ाई कर रहा है। छुट्टियों में जब वो कोरिया आता है तो अपने लॉयर से मिलने के लिए आता है। वो लॉयर का बहुत ही थैंकफुल है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे पूछती है कि तुम लॉयर के पास क्यों आए थे, किस ट्रबल में तुम थे। एलेक्स के लॉयर जरा दूर थे पर एलेक्स इस क्वेश्चन को क्या आंसर करता है ये सुनना चाहते थे। एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि एक चीज मैंने मजाक मजाक में की थी, उसी को लेकर हेल्प मुझे इन लॉयर ने की थी। लॉयर को पता है कि एलेक्स ने मर्डर किया है पर लॉयर इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। पाक को अभी भी लगता है कि जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, पर फिर भी एक चीज की उन्हें खुशी है कि पियर्सन ने मर्डर नहीं किया था और उसको उन्होंने बचाया है। पियर्सन भी उन्हें थैंक यू कहने के लिए आता है। जब पियर्सन जा रहा होता है तभी पाक को क्लिक होता है। पाक उसे पूछता है कि तुम मुझे कोरियन में थैंक यू कह रहे थे, ये कैसे हो सकता है। अगर पियर्सन को कोरियन आती है इसका मतलब है पियर्सन पहले से ब्रिटेन कर रहा था। पियर्सन कहता है कि जब मैं जेल में था तब वहां मैंने एक कोरियन सीखी थी। लास्ट में मूवी हमें जरा कंफ्यूज करती है। हमें 99% तो पता है कि एलेक्स ने मर्डर किया था, पर पियर्सन भी इसमें उतना ही शामिल हो सकता है जितना एलेक्स उसमें था। ये दोनों एक दूसरे पर ही पूरा इल्जाम लगा रहे थे। मूवी के लास्ट में जिस होटल में मर्डर हुआ था उस होटल में पाक पहुंचते हैं। वहां का टॉयलेट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इस डोर के पीछे हमें फिर से जॉन्ग फिल की बॉडी दिखाई जाती है। ये रिप्रेजेंट करता है कि इस केस को पूरी तरह से दबा दिया गया। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि एलेक्स और पियर्सन ये दोनों अभी भी फ्री है। इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हम बहुत ही एक डार्क रियलिटी देखते हैं। यही आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।